वेलकम टू माय न्यू व्लॉग गाइस। तो आज भी देहरादून का ही व्लॉग स्टार्ट है और ये है हमारा गार्डन। तो मैं दिन में से व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ तो आपको मैंने सोचा सबसे पहले गार्डन दिखाती हूँ। वैसे आज हमारा प्लान बड़ी मामी जी के घर जाने का भी है तो हम लोग बस अब रेडी होंगे, तो उससे पहले मैंने सोचा आपको गार्डन दिखा देती हूँ। अभी तो इस गार्डन में बहुत काम होना है, जैसे मैंने आपको बोला था यहाँ पर मम्मी ने थोड़ी बहुत सब्जी उगाई हुई थी, तो बस बाकुले की सब्जी उगी थी, थोड़ी बहुत चीज़ें और हैं बाकी कुछ नहीं। और यहाँ पे गुड़िया लगा रही है क्योंकि हम लोग तैयार होके जा रहे हैं, तो दादी जी घर पे रहेंगी तो गुड़िया दादी जी के लिए भागवत लगा रही है कि दादी जी थोड़ी देर बोर ना हो और घर में बैठ के भागवत देखें। और मैं तो यहाँ पे बस बाल बना रही हूँ रेडी होने के लिए, बस रेडी होंगे फिर जाएंगे वहाँ से मिलकर आएंगे। तो फ्रेंड्स हम लोग हो गए रेडी, मैंने आज कुर्ता पहना है, हम लोग जा रहे हैं हमारे बड़े वाले मामा जी के घर। तो देखते हैं वहाँ कितना शूट होता है नहीं होता है, थोड़ा बहुत लोगों की प्राइवेसी का भी ध्यान रखना पड़ता है। तो दादी जी घर पे रहेंगी और हम सारे जा रहे हैं, आकर बताते हैं। चलो 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 फिर मिलते हैं आपको। गाड़ी पापा बाहर वेट कर रहे हैं तो हम लोग निकलते हैं। और एज यूजुअल यहाँ पे बहुत धूप है, ये देखो नेगी जी शूज़ पहन रहे हैं, गुड़िया तो तैयार हो चुकी है। तो बस हम लोग निकलेंगे, मिलेंगे आपको आगे। मम्मी कहाँ रह गई, हम लोग बैठे क्या गाड़ी में? जय माता दी, जय माता दी। हेलो गाइस, नमस्कार नमस्कार। कैसे हैं आप हमारे नए व्लॉग में? वेलकम टू हमारे नए व्लॉग में आप सभी का बहुत ही दिल से स्वागत है। आज हम थोड़ा सा रिलेटिव के यहाँ जा रहे हैं, तो बस हम लोग वहाँ से मिलके आ गए थे। ये थोड़ा बहुत रास्ते का शूट है पर हमने वहाँ शूट नहीं किया कुछ भी, तो बस थोड़ा बहुत रास्ते में था। फिर हम वापस घर आ गए थे और घर आकर हमने सबसे पहले ना मूवी की टिकट्स बुक करी हैं जो हमें नहीं मिल रही थी, द कश्मीर फाइल्स की। वैसे हमारा प्लान जल्दी जाने का था पर रात के 10:30 की मिली, तो बस अब चलते हैं और घर में आपसे मिलते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ बन रहे हैं मम्मी के स्पेशल वाले राइस जो मम्मी बनाती है पीनट्स वगैरह डाल के प्रॉपर भुन के फ्राइड राइस टाइप। तो अब मम्मी बताइए थोड़ा बहुत कि क्या करना है। हाँ, इसमें तो फ्राइड राइस बनाने के लिए पहले प्याज भूनो थोड़ा सा और एक बोटी इलायची और थोड़े से लहसुन और मूंगफली भून के अलग रख दो, फिर बाद में मूंगफली डालनी है चावल में। मसाला मसाले इसमें से बेसिक सारे मसाले हैं, कुछ एक्स्ट्रा नहीं। हाँ, मिर्च नमक और जीरा पाउडर धनिया पाउडर हल्दी गोटी इलायची तो मैंने डाल दिया, थोड़ी सी लगन कूट के डाल दी और हल्की आंच में उसको प्याज लहसुन और टमाटर प्याज। टमाटर तो आप मना कर रहे हो ना, आप कह रहे हो इमली डालूंगी थोड़ी सी। हाँ, तो आज इन राइस में ना इमली यूज होगी। हाँ, नहीं तो देख लेना आप वो टमाटर। हाँ, जिनके पास इमली नहीं है वो टमाटर भी डाल सकते हैं, सेम प्रोसेस है। अगर हम टमाटर भी डाल सकते थे पर हमारे पास इमली पड़ी हुई है होली की, तो हम इमली यूज करेंगे। यस, तो इसीलिए इमली यूज होगी। तो ये फ्राइड राइस जब बन जाएंगे ना तब दिखाएंगे आप लोगों को, बहुत टेस्टी बनते हैं और बहुत इजी हैं। बस राइस आपको बॉईल करके रखने, तो आप ये झटपट से बना सकते हो, सिंपल सी रेसिपी है। और इमली वाला पैसा क्या आप सफर में 3-4 दिन तक वो खराब नहीं होता, सफर में लेके जा सकते हैं। अच्छा, इमली वाला खराब नहीं होता, बल्कि दही वाला और टमाटर वाला खराब हो जाएगा। हाँ, दही और टमाटर तो जल्दी खराब हो जाते हैं ना गर्मी में। इमली वाला क्या होता है कि चावलों को खराब नहीं होने देता। ओह, और इमली वाला प्रसाद में भी मिलता है कहीं कहीं साउथ इंडियन मंदिर्स में ना, 4-5 दिन तक के बिल्कुल भी खराब नहीं होता, जैसा पैक रहता वैसे ही रहता, स्मेल बिल्कुल नहीं आती क्योंकि इमली का जो है वो पानी नहीं छोड़ता ना। हाँ, तो बस अब मम्मी जैसे ही करेगी ना मतलब प्रॉपर रेडी कर देगी। मम्मी ने आपको बता ही दिया कि बस इसमें मसाले ऐड करने हैं, बाकी कुछ नहीं। हम कोई अलग से गरम मसाला वगैरह नहीं डालेंगे, बेसिक हल्दी नमक मिर्च धनिया, बस बेसिक मसाले हमारे वही डाल रहे हैं इसमें। और सरसों के तेल में बना रहे हैं ना हम लोग। हाँ, मोटी इलायची एक या दो, मोटी इलायची फ्लेवर के लिए और वैसे डाइजेशन वगैरह के लिए ना। तो आपने इसमें हींग वगैरह तो कुछ नहीं डाला ना? खुशबू के लिए मोटी इलायची जरूरी होती है, खुशबू और फ्लेवर के लिए मोटी इलायची, दैट्स इट। और ये रहा हमारा इमली का पल्प जो अभी इसमें है तो इसको यूज करेंगे। और अभी हम लेकर आए हैं ये मसाला बूंदी, हम रायता बनाएंगे इसका। आज का जाएगा दोस्तों यही रहेगा, आज हम बस फ्राइड राइस और रायता लेंगे रात को डिनर में, क्योंकि हमारे आगे भी कुछ प्लान्स है तो उस अकॉर्डिंग। हाँ,
दिन में हमने राइस खाया नहीं इसलिए। हाँ दिन में हम लोगों ने थोड़ा बहुत लाइट खाया था, फ्रूट्स वगैरह ले लिए थे, पपीता खाया था और दही बल्ले खाए थे थोड़े थोड़े, तो हमारा उसी में हो गया था। फिर हमने सोचा क्यों राइस वगैरह खाए, बहुत ओवर हो जाता है। और एक्चुअल में ना जब आप त्योहारों के टाइम पे आपने इतना कुछ खाया होता है तो आपको अपने पेट को भी थोड़ा थोड़ा आराम देना चाहिए बीच बीच में, है ना, कंट्रोल में रखना जरूरी है त्योहारी सीजन पे तो जरूरी। तो फ्रेंड्स इसमें इमली का पल्प भी ऐड हो गया है, तो अब इसमें राइस ऐड करेंगे, बस इसे थोड़ा सा भून लेंगे मसाले के साथ। कितना भूनना है इसे? थोड़ी देर बाद पकने देना है थोड़ा सा। अच्छा इसमें मतलब अच्छे से उमाल आने देनी है, जब ये थोड़ा सा पूरा गर्म हो जाएगा अच्छे से पक जाएगा तब इसमें राइस ऐड करेंगे। बस इसको 2 मिनट या 3 मिनट में हो जाएगा मेरे ख्याल से। और मम्मी ने ना नीचे एक ठिलकी लगा रखी है, इसकी हाइट थोड़ी ज्यादा है मम्मी के अकॉर्डिंग, तो इसलिए मम्मी वो यूज करती है इस पे कुछ भी पकाने के लिए, मम्मी उसमें चढ़ती है डब्बे निकालने के लिए भी। जैसे ये कुछ है ना ये थोड़े ऊंचे हो जाते हैं कुछ कुछ के लिए, तो मुझे भी लगता है मुझे भी वो आते हैं, वैसे स्टेयर्स आती हैं 2 स्टेप वाली ना, वो सही रहेगी। तो फ्रेंड्स हमारे राइस तो बिल्कुल रेडी हो गए हैं। तो गाइस हम लोगों ने डिनर आज जल्दी कर लिया है क्योंकि हम लोगों को मूवी देखने जाना है, और मम्मी ने जो ये इमली वाले चावल बनाए ना बहुत ही टेस्टी हो रहे हैं। तो फ्रेंड्स हम लोग जा रहे हैं इतनी रात को रेडी होके, कहा हम जा रहे हैं मूवी देखने, ये कश्मीर फाइल्स। और फाइनली हमें टिकट मिल गई, पूरा थिएटर बुक था, फुल हाउस सारे। हम कब से कर रहे थे, हम कल सुबह से ट्राई कर रहे हैं, अब जाके हुई है। फाइनली हमें टिकट मिल गई है और हम सारे जा रहे हैं, मतलब पूरे फैमिली मेंबर्स जा रहे हैं। जयदीपिया है नहीं और दादी जी जा नहीं सकती इसलिए दादी जी घर पे रहेंगी, और हम 5 जने जा रहे हैं। तो आप लोग बताना आप लोगों ने कश्मीर फाइल्स देख ली, मम्मी गए मम्मी रेडी होके जा रही है। अब निकलने वाले हैं मूवी देखने के लिए और हम जा रहे हैं कश्मीर फाइल्स देखने के लिए, और शो का टाइम है 10:30 रात को, अब हम निकल रहे हैं। ओके तो खाना वाना खाने के बाद हम लोग तो निकल रहे हैं मूवी देखने के लिए, तो रात के 10:30 का शो है, तो अभी हम लोग 9:30 या 9:40 पे घर से निकले हैं। एंड पापा दरवाज़ा वगैरह प्रॉपर लॉक कर रहे थे क्योंकि दादी जी घर में अकेली थी, और दादी ने कहा कुछ नहीं तुम लोग जाओ मैं सो जाऊंगी आराम से। एंड आज हम लोग जा रहे हैं सिटी जंक्शन जिसे पहले ग्लिट्स भी कहते थे, तो मैं आज से 10-11 साल पहले की बात कर रही हूँ, इस जगह को ग्लिट्स भी बोला जाता था, अब तो इसका नाम बदल गया है। तो मैं बहुत टाइम बाद मतलब 10-11 साल बाद यहाँ आ रही हूँ, तो बड़ा अच्छा लग रहा है क्योंकि पहले मैं देहरादून में पढ़ी हुई हूँ, मतलब मैंने मास्टर्स वहाँ से करी है, तो अच्छा एक्सपीरियंस था वो भी। और आप मॉल देख सकते हैं कि मॉल में इतने रात को भी ना 9:40 या 10 बजने वाले होंगे, इस टाइम पे भी ऐसे लग रहा है कि काफ़ी शॉप्स खुली हुई हैं। तो मैं गुड़िया को बोल रही थी चल शॉपिंग कर लेते हैं, अभी भी शॉप खुली हुई है, बैग्स वगैरह दिख रहे थे मुझे ना बड़े अच्छे अच्छे। तो वही यार लेडीज़ का तो यही होता है ना कि वहाँ जाते ही आपको दिख गया कुछ तो बिग बाज़ार वगैरह, तो ऐसे लग रहा था वाह चलो कुछ ना कुछ देख लेते हैं जब तक हमारे पास टाइम है। और मम्मी यहाँ पहली बार आई हैं फ्रेंड्स, इतनी रात को हम सामान खरीदने के लिए ना बिग बाज़ार आ गए, मम्मी कह रही है यहाँ पे बिग बाज़ार भी है, और यहाँ मैं तो 10 साल बाद आ रही हूँ। आप पहले नहीं आए ना, मैं आई भी हूँ पहले, मैं नहीं आई, मम्मी फर्स्ट टाइम आ रही है, मैं तो पहले आ चुकी हूँ यहाँ, मेरे कॉलेज वाले देख रहे होंगे तो उन्हें पक्का याद आएगा। हेलो दोस्तों मैं तो पहली बार आई हूँ, मैं ऐसे मार्केट जाती हूँ बाजार आई कभी कभी देखेंगे पहले। और बस थोड़ा बहुत हम यहाँ फोटो सेशन कर रहे हैं पोस्टर के साथ, और पोस्टर को तो ढक के हम खड़े हो गए थे पहले, और फिर बस थोड़ा सा वेट करते हैं मॉल वगैरह देख रहे हैं। तो सामने आप देख रहे हैं फूड कोर्ट होगा, वहाँ पे फूड कोर्ट है और वहाँ पे ही बस इस पूरे मॉल में खाने का एरिया एक ही है ये वाला फूड कोर्ट, बाकी यहाँ एक्स्ट्रा कुछ भी ऐसा नहीं है। और लोग अभी भी आ रहे हैं, और क्योंकि लोगों को सबको होता है ना कि रात की टिकट लिए, मुझे लगा था कहीं ज़्यादा भीड़ ना हो, बट वैसे तो हमें पता ही था यार कि हॉल पूरा फुल था, ये हमारे यहाँ पूरी टिकट्स फुल थी, हमें तभी तो रात की मिली हैं। बस अब हम लोग लाइन में जा रहे हैं कि अंदर जाने के लिए लाइन, अंदर मतलब लोग अंदर जा रहे हैं हॉल के, तो इस टाइम पे भी टाइम है, 10:30 का शो था बट 10:30 ये शो नहीं शुरू हुआ, शो बहुत लेट शुरू हुआ था। एंड इतनी भीड़ थी ना इसके अंदर
मुझे लिटरली ऐसे लग रहा था इतने सारे लोग देखने आए हैं मूवी, बट ये मूवी बहुत अच्छी है और मेरा मानना है कि आप लोगों को एक बार ज़रूर देखनी चाहिए। आपको काफ़ी हिस्ट्री इसमें पता चलेगी कश्मीर की। एंड फिर उसके बाद हम ऐसे ही बस थोड़ा खड़े हो गए, बातें बातें करी, हमें लगा कि अब हमारा नंबर आ ही गया है, हॉल वगैरह खुलेगा, पर यहाँ पे ना हम काफ़ी देर तक हमने वेट किया है, उसके बाद खुला है। तो मुझे लगा था कि यार होता गया ना, दिल्ली में टाइम में खुल जाता है, अगर 10:30 बोला है तो 10:30 बजे, पर यहाँ 10:30 बोला है तो मेरे ख्याल से हम 11 बजे अंदर गए हैं, या 10:40 या पता नहीं कितने बजे, मुझे याद ही नहीं है। तो बस यहाँ थोड़ा बहुत फिर मैंने सोचा कि अब एक जगह खड़े रहकर भी क्या करना है, तो ये अंदर का एरिया है जहाँ पे फूड स्टॉल लगे हुए हैं इसके, मतलब मूवी हॉल के PVR है ये, तो इसका जो ये लगा हुआ है ना, बस यहाँ पे ही आपको पॉपकॉर्न वगैरह मिलते हैं, एंड लोग रात को पॉपकॉर्न वगैरह प्रॉपर ले रहे थे। और आप भीड़ देख सकते हैं यहाँ पे, हम लोग तो घर से खा पी के आए थे और मूवी थोड़ी ऐसी थी कि मुझे खुद ही लग रहा था कैसे खाना है। एंड आप देख सकते हैं, मैंने सोचा आपको एक सिनेरियो दिखा देती हूँ यहाँ का भी। एंड पूरी सीट्स फुल हैं, इनफैक्ट एक दो लोग वापस गए हैं, उनकी टिकट्स पता नहीं कैसे बुक हुई। अब ये लास्ट है तो मैंने सोचा एंडिंग में बस आपसे एक बार सबको मिलवा देती हूँ, क्योंकि हम आए हैं कश्मीर फाइल्स देखने के लिए, तो मूवी की एंडिंग हम मूवी यहाँ शुरू करेंगे और व्लॉग की एंडिंग करेंगे, तो बस सब आपको हाय बाय दोनों कर देंगे। तो बस मूवी बहुत ही अच्छी थी और ये 10:56 हो गए हैं, जिस मतलब 10:56 मूवी इस टाइम पे स्टार्ट हुई है हमारी, मतलब बहुत लेट हो गए हम, 10:30 का शो था ये। तो गाइज मूवी स्टार्ट हो गई है एंड आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो। अगर मेरे चैनल में न्यू है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और वीडियो में कमेंट कीजिए। बाय।